एक चीज और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जिस बंदे के पास ऐसी भयानक से भयानक लोकेशन होना, तो भाई मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है और मैं 100% उस लोकेशन पे पहुँच के वीडियो बनाऊंगा। ये भाई का वादा है मेरा आपसे। दोनों बच्चे कुएं में फेंक दिए, तो भाई वो छोटे छोटे बच्चे तो तुरंत ही मर गए। अरे भाई भाई भाई, कुछ लग रहा है पीछे, कुछ दिख रहा है मुझे। स्कूपिया राज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि देख रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको एक और लोकेशन पर लेके आया हूँ। समय पहले दोस्तों मेरा एक सवाल है आपसे। तो यार दोस्तों, मेरी वीडियो आपने ये जानिया वाली थी, वो रियल, एकदम रियल वीडियो थी। ना उसमें कोई फेंक था और ना ही भाई कोई हमने एडिटिंग का कमाल था। कुछ भाई बोल रहे हैं कमेंट करके, यार तुमने एडिटिंग की है या तुमने टॉर्च लगा दी है। भाई यार, आसमान में कहाँ टॉर्च लगती है यार, आप करके बता दो यार। भाई मैं बोल रहा हूँ, मैं 2000 रुपये इनाम दूंगा आपको, जिस भाई ने टॉर्च से या कोई इफेक्ट लगा के ऐसी चीज़ लगा दी और भाई कर दी, तो उसको मैं 2000 रुपये का इनाम दूंगा मेरे खुद की तरफ से। भाई मुझे कोई यूट्यूब से पैसा नहीं मिलता अभी, या मैं आपको फेंक चीज़ दिखाऊँ। भाई मैं जब भी ले जाऊँगा आपको ओरियल ही लोकेशन पर ले जाऊँगा, ये आपका मेरा वादा है आपसे। और आपको हकीकत ही चीज़ दिखाऊंगा, मुझे आपको कोई गुमराह करना मेरा मकसद नहीं है कि आपको गुमराह किया जाए या आपको कोई फेक लोकेशन पे लेके मैं आपको हर कुछ बताए जाऊँ। तो गाइस ऐसा काम नहीं है मेरा। तो गाइस मैं क्या ही बोलूँ यार, बड़ा दिल दुखा। फिर भी गाइस आपने बोला, मुझे अच्छा लगा गाइस आपने किसी भी सपोर्ट की यार, चाहे फेक बोला हो, आपको जो ठीक लगे वो आप बोल सकते हो। और भाई एक ऐसी ही लोकेशन पर लेके आया हूँ मैं, चलो भाई चलते हैं। तो गाइस एक ऐसी लोकेशन पे लेके आया हूँ जो कि एक पागल औरत थी और इस रास्ते से गुजर रही थी। लगभग आज से करीबन 4-5 साल या 10 साल पुरानी बात है वो, इस लोकेशन के विषय में हमें पता चला। तो गाइस इस लोकेशन पे हम सीधा पता पाते ही इस लोकेशन पे पहुँचे। और हाँ गाइस, एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जिस बंदे के पास ऐसी भयानक से भयानक लोकेशन होना, तो भाई मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है और मैं 100% उस लोकेशन पर पहुंच के वीडियो बनाऊंगा। ये भाई का वादा है मेरा आपसे। जो भी भाई बताएगा उसको इनाम के साथ उस लोकेशन पर पहुंच के मैं वीडियो बनाऊंगा। भाई जो सी भी लोकेशन होगी, मैं गारंटी से वादा करता हूं उस लोकेशन पर जरूर आके वीडियो बनाऊंगा। तो गाइस यहाँ की एक कहानी है, जो कि कहानी नहीं गाइस हकीकत है। तो एक पागल औरत थी जो इस रास्ते से गुजर रही थी और उसके गाइस 2 बच्चे थे। और जो हमारे इस लोकेशन के विषय में इनने हमें बताया था गाइस, उनने बोला था कि यहाँ पर एक पागल औरत गुजर रही थी आज से 10 साल या 8 साल या 10 साल पहले। और गाइस उनके साथ 2 बच्चे थे। उस पागलपन, उस औरत पागल के पन्ने के चक्कर में गाइस उनके 2 बच्चे उस कुएं में फेंक दिए। तो गाइस वो छोटे छोटे बच्चे तो तुरंत ही मर गए। लेकिन गाइस मैंने सुना है और यहाँ का लोगों को कहना है कि उन बच्चों की आत्मा आज भी इस जगह पर भटकती है। तो गाइस बिना देर करे चलते हैं उस लोकेशन की ओर। आओ भाई, बहुत भयानक लोकेशन है ना। हाँ भाई, दिखाओ पेड़ में, दिखाओ गाइस को, ऑडियंस को दिखाओ अपनी। तो गाइस देख लो यहाँ पर कुछ खतरनाक तरीके से पेड़ भी हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी आओ। गाइस यहाँ पर दिन में लोग आते हैं लेकिन रात में गाइस यहाँ पर कोई नहीं आता, परिंदा भी पन नहीं मारता। और भाई मुझे वाकई में यहाँ बहुत ही भयानक लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो गाइस मेरे कांटे भी खड़े हो रहे हैं। अरे भाई भाई भाई, कुछ लग रहा है देखो पीछे, कुछ दिख रहा है मुझे। ओ भाई कुछ था, चलिए कुछ था भाई। हाँ भाई कुछ तो था ना भाई, था ना। हाँ हाँ भाई,
दिखाओ भाई, देखो कुछ तो था यार। इधर आओ, इधर आओ जल्दी भाई। हो सकता है जानवर ही हो सकता है। आंखें तो चमक रही थी शायद, आंखें ही लग रही थी, चमक रही हो सकता भाई जानवर हो कुछ। तो गाइस देख रहा हो यहाँ का नजारा, और मैं गाइस आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, जो कि इस कुएं के अंदर गाइस उस पागल औरत ने इसी कुएं के अंदर उन दोनों को बच्चों को फेंका था। जो कि मैं कुआं बता देता हूँ, ये पूरी तरीके से खंडर हो चुका है ये कुआं, देखो। गाइस पूरी तरीके से वीरान है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गाइस यहाँ पर लोग दिन में भी कैसे आ जाते हैं, क्योंकि रात के समय भी इतनी भयानक लग रहा है यहाँ पर, मैं क्या ही बोलूँ गाइस। ओ भाई इसको दिखाओ यार, चारों तरफ दिखा दो इसको, तो गाइस और चारों तरफ इसके खेती खेत है गाइस, और यहाँ पर कोई भी नहीं रहता गाइस। आप देख सकते हो इसकी कंडीशन, देखना दूर हो ना भाई। ये क्या भाई दिख रहा है कैमरे में भाई, दिखा था भाई, समझ में नहीं आओ भाई, जा रहा है जल्दी भाई भाई सवाल का भाई, वो क्या था भाई, वो भाई क्या चीज थी, पता नहीं चीज थी भाई, पता नहीं वो चक्कर आ गया भाई, पेड़ बंद चली गई ना, पेड़ बंद भाई अरे वो पेड़ खेत में था, वो कहाँ है कुछ भी तो नहीं है यार, कुछ भी तो नहीं है भाई इधर पे। और जुला भी पड़ रहा है क्या, क्या करें भाई, हम पसंद दिखाओ, इधर दिखाओ भाई, तो क्या खूब, क्या करें भाई बताओ ना यार, भाई से कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, चलते हैं है? क्या करना चाहिए यार बताओ ना भाई, आवाज भी गुल हो गई ना। हाँ भाई सुनने में आ रहा है कुछ, नहीं भाई आवाज नहीं सुना रही अभी तो। टाइम कितना हो रहा भाई,
भाई इनका पता नहीं है, मोबाइल मेरा पता नहीं कहाँ रह गया। इधर इधर देखते हैं भाई। तो भाई देख रहो ये 100% रियल है और पता नहीं वो चीज़ कहाँ आती है और किधर गुल हो जाती है। तो पता नहीं ये बच्चों की आत्मा लग रही थी गाइस मुझे, या कुछ और चीज़ें गाइस मुझे कंफर्म नहीं है, या कोई आदम खोरे या गाइस क्या है मुझे नहीं पता। बस देखो ना भाई पीछे से कोई हमला वमला कर दे। क्या करें भाई, भाई चलते हैं। क्या बात आई, ये आवाज आई भाई, सुनाई है कि तुम्हें? हाँ भाई निकले भाई, निकलो। तो भाई इस चीज़ का हम पता नहीं पढ़ पाए, इसलिए यार माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि बच की नहीं रही गाई, बहुत टाइम हुआ है और पूरी तरीके से यार हम लोग थक चुके हैं, थक के चक गए, जान जान हलक में आ गई है गाई। हो सकता कुछ हथियार वगैरह हों गाइस, फिर से कुछ कुछ क्या करें भाई, चलते हैं भाई। तो गाइस यार मैं आपको क्या ही बताऊं यार, रियल लगे तो भाई कमेंट करना, सेकंड पार्ट इसका जो भी होगा सेकंड पार्ट में हम आपको दे देंगे। और भाई यार फेक मत बोला करो यार, ऐसी चीज़ों को फेक बोलते हो गाइस आप, ऐसी चीज़ों को फेक बोलते हो यार, इसकी कोई हद नहीं है, जो कि 100% रियल होती हैं। और गाइस यार भाई उधर से जाओ यार, मुझे लग रहा ना तो कोई चीज़ हमला कर दे। भाई पीछे ध्यान रखो ना यार, तुम लोग क्या करते हो यार, हैं कोई परवाह है कि नहीं अपनी जान का? गाइस गाइस क्या बोलूँ यार, अरे कट करो यार, गाइस ने समझेंगे ना, वो सपोर्ट करेंगे यार, वो तो वो फेंक रहती है उन चीज़ों पर ही सपोर्ट करते हैं भाई, ओरिजिनल चीज़ पर कभी मदद नहीं करेंगे। छोड़ो कट करो।